हेलो फ्रेंड्स, प्रतीक्षा जाट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लिविंग माय ड्रीम्स। तो कल हमने जो सिंगल सिमेट्री सीखी थी, तो उसी से हमें अभी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बनाना सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो है मैं बच्चों को बना रही हूँ, तो एक मैं इसमें होल्डिंग वाला पोजिशन में जो है ये वाला एक बना देती हूँ। जो हम होल्ड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारी बॉडी जो होती है वो बैलेंस करना सीख जाते हैं, मतलब बैलेंस की पोजीशन में होती है। तो कुछ उसी टाइप से मैं इसे कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। और ये जो है बच्चे खेल रहे हैं होल्डिंग गेम्स, आपने कभी ये गेम खेला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से ये रस्सियाँ जो है ये इसने पकड़ रखी है, तो इसी को हम अभी ह्यूमन शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पीछे वाला बना देती हूँ, उसका मैंने फेस बना दिया है। और फिर मैं इसके सर के ऊपर एक कैप भी बना रही हूँ। इसके बाल, कान, इसकी आंखें, और अभी हम इसकी गर्दन बना रहे हैं। तो ये मैं इसका जो प्ले में स्कूल का यूनिफॉर्म होता है यूजुअली, वो वाला मैं इसमें दिखा रही हूँ इसके ऊपर। और ये हाथ के ऊपर ही हमें हाथ वाला शेप, यहाँ से ये इसका पीछे वाला हाथ, तो अभी इसके पैर भी बना देते हैं। इसके पैर में मैं शूज़ भी बना देती हूँ। सिंगल सिमेट्री में हम शूज़ नहीं दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे हम बना रहे हैं उसके शूज़ भी। और ये हो गया पीछे वाला बच्चा, तो अभी आगे वाले भी हम बना देते हैं। तो इनके भी मैं सबसे पहले चेहरे ही बना देती हूँ। ये इनके बाल, कान, इसी तरह से ये दूसरे वाले बच्चे का भी हम आँख, नाक, बाल सब कुछ बना देते हैं। तो इनके भी मैं सेम जो प्लेग्राउंड में होता है उसी टाइप का मैं ड्रेस बना रही हूँ।
इसका पीछे वाला हाथ। और इसके भी मैं जूते बना रही हूँ। इसी तरह से इसका दूसरा पैर। तो इनके मैंने हाथ नहीं बनाए थे तो वो मैं अभी बना रही हूँ। और इस वाले के भी पैर, ये वाला बच्चा पीछे है तो इसका पैर जो है ये मैं पीछे बना रही हूँ। इस तरफ से आके इसका जूता यहाँ पे दिख रहा है और फिर ये आगे वाला पैर उसका। सो फ्रेंड्स, सिंगल सिमेट्री से आप कितनी आसानी से कोई भी फिगर बना करके उसे ह्यूमन शेप जो है ये मैंने कैसे दिया, ये बहुत ही आसान था। ये आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको ये परफेक्टली आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।